तो अक्सर हम लोग अपने आधार कार्ड के लिए अपना फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो करवाने के लिए अक्सर किसी ना किसी आधार केंद्र पर जाते हैं, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इसके लिए अब आपको किसी आधार केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, UIDAI ने एक ऐसी ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है फेस RD। अब इस ऐप की बदौलत आप घर बैठे ही अपना फेस को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि इस ऐप से आपकी क्या क्या सहायता होगी और क्या है इसके और फीचर्स। तो इस ऐप को आप एंड्रॉइड यूजर्स जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दें कि ये फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से किसी पर्सन के फेस को लाइव कैप्चर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए करता है। भाई, फेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ जो है कई आधार ऑथेंटिकेशन ऐप जैसे जीवन प्रमाण, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोविन वैक्सीनेशन ऐप, स्कॉलरशिप स्कीम, किसान कल्याण योजनाएं के लिए किया जा सकता है। वही इसको लेकर UIDAI ने ट्वीट भी किया था। वही ट्वीट में बताया गया था कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का यूज UIDAI RD ऐप के जरिए अब आसानी से किया जा सकता है। तो अब इस ऐप के बाद आधार होल्डर को अब लोकल आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर फिजिकल ऑथेंटिकेशन के लिए आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इस वेरिफिकेशन से आधार कार्ड होल्डर की रियल आइडेंटिटी को वैलिड किया जा सकता है। वही एक बात का ध्यान रखें कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ऐप में बताए गए गाइडलाइंस को जो है वो जरूर फॉलो करें। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर बताए गए सभी गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करना होगा। स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपका फेस जो है वो लाइट में होना चाहिए और आपका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। तो है ना ये एकदम आसान तरीका, आप इस ऐप के जरिए घर बैठे ही अपना फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो आसानी से करवा सकते हैं। वही से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।